हेलो एवरीवन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 16 पहले प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पिछले टॉपिक्स में हमने क्वाड्रिलेटरल्स कुछ सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे चर्चाएं की। आज हमको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पहले प्रोग्राम पे चर्चा करना है। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है और इसका जो है डायगनल जो है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, यानी कि प्रूफ दैट इन पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो है एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लिखिए, लेट एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लीजिए। आप एक डायगोनल ले लो ए से। ठीक है, ड्रॉ करो, ड्रॉ डायगोनल्स, ड्रॉ डायगोनल्स ए सी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गए आपके पास। ठीक है, ए बी सी और ए सी डी, इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो इन एंगल ए बी सी एंड ए बी सी, मतलब इस ट्रायंगल में, ठीक है, और इस ट्रायंगल में सी डी ए। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल 1 जो है 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और 2 जो है 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और ये जो दोनों ट्रायंगल में ए सी साइड जो है कॉमन है। ठीक है, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज पता है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो बाय दो एंगल इक्वल हो, दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो बाय ए एस ए प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कंगुरेंट ट्रायंगल सी डी ए। दोनों जब कंगुरेंट हो गया तो क्या हो गया कि इसमें जो है ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, और अपोजिट ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, अपोजिट साइड ये साइड इसके ऊपर है, ये साइड इसके ऊपर। ठीक है, और ए डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी। ठीक है, और एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी, ये एंगल इसके ऊपर। ठीक है, दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिए। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह यदि आप इसको जो है डायगोनल मानते हो, ठीक है, सिमिलरली ड्रॉ डायगोनल्स, डायगोनल्स बी डी। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बी डी, तो ट्रायंगल ये ए बी डी, ए बी डी कंगुरेंट हो जाएगा, ए बी डी कंगुरेंट हो जाएगा सी डी बी का, सी डी बी का। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंगुरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त भी क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी बी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी और ये एंगल इसके इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ भी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दिखा रहा है दिस
सोच सोच वन एंड टू, वन और दो को प्रूफ कर रहा है, जिसमें क्या था कि अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, तो अपोजिट साइड इससे और इससे आपका इक्वल प्रूफ हो गया एंड अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है, यहाँ और यहाँ इससे अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, यानी कि वन और टू प्रूफ हो गया। ओके, टू प्रूफ थर्ड, थ्री प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसके लिए कंसीडर ए बी सी डी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी डी डायगोनल डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर दर एट ओ। मान लो कि ये पैरेललोग्राम कंसीडर किए, इसमें ये डायगोनल ए सी और ये बी डी जो है ना वो पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो यानी कि थर्ड को हमको प्रूफ करना है, तो इस ये ट्रायंगल ले लो आप और ये ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए बी एंड ओ सी डी ओ सी डी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल, यानी कि एंगल ओ ए बी ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ सी डी एंगल ओ सी डी के इक्वल अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल, इसको लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यहाँ भी नहीं लिखे हैं, यहाँ भी लिख लो अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, आई ये कॉमन है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और ये जो है एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इक्वल टू टू बी ओ ए, बी ओ ए अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये ए बी इसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, तो बाय दो एंगल और एक साइड है, ठीक है, तो बाय ए यस ए से क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी कंग्रुएंट हो जाएगा ओ सी डी का, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया, तो कंग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ये तो है ही इक्वल, ये भी इक्वल है ही, ये भी इसके इक्वल है, और ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ, इतना इक्वल टू इतना, और ये बी ओ इक्वल टू हो जाएगा डी ओ, ठीक है, यानी कि ये जो डायगोनल था इसका हाफ इसके इक्वल, ये जो डायगोनल था इसका हाफ इसके इक्वल, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस शोज दैट डायगोनल बाइसेक्ट सेक्ट, ठीक है, इस तरह से डायगोनल को हमने प्रूफ कर दिया कि बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे को बीचों बीच में करता है, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एलिटोपिक्स में देखेंगे। ओके।